साना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। केंद्र की बीजेपी सरकार ऑनलाइन कंपनियों को प्रोत्साहित करने में लगी है, जिससे दुकानदारों और प्रदेश सरकार को काफी नुकसान होता है। यह बात कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक आदर्श सूद ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि यह कंपनियां थोक विक्रेता से सामान खरीदती है जिनके स्टोर प्रदेश से बाहर है, जिसकी इनके बिलिंग पर जीएसटी लगाया जाता है जो केंद्र को जाता है, प्रदेश को इनसे कुछ नहीं मिलता है। कहा है जी जीएसटी का कि जो अब 2017 से जो है जीएसटी लागू हुआ, तो अब ऐसा है जो स्टेट में जो बिलिंग होगी, स्टेट में जो बिलिंग होगी ना जी, उसका आधा हिस्सा जो है वो केंद्र को जाता है और आधा प्रदेश सरकार को मिलता है। किंतु हो क्या रहा है, ऑनलाइन कंपनियां जो हैं वो, अभी मैंने कहा भी कि बिलिंग कर रही हैं वो बाहर कहीं से, ऐसे ही मतलब कोई संदिग्ध से उनकी बिलिंग है कि वो कोई नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से किसी व्यापारी की बिलिंग करती है, पता नहीं वो बिल सच्चा है झूठा जो भी है, और वो कंज्यूमर को तो मिल जाता है किंतु प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के राजस्व में उसका कोई भी योगदान नहीं है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं कर पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही है। हम एक गरीब फैमिली से लूम करते थे और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई थी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है,
या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285,35,00,000 रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। आप सभी का स्वागत है, चलिए बढ़ते खबरों की ओर। नूरपुर में मानसून सीजन के दौरान हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 2 दिवसीय कांगड़ा और चंबा जिला के प्रवास पर पहुंची अंतर मंत्रालय 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने संयुक्त सचिव सुनील कुमार बर्णवाल के नेतृत्व में आज दूसरे दिन आपदा प्रभावित चक्की पुल और ढांगू माजरा सड़क का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया है। इस दल में केंद्रीय सहायक सचिव व्यय विवेकी केवी, केंद्रीय जल आयोग शिमला के निदेशक पीयूष रंजन और हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक और विशेष सचिव सुदेश मोक्टा भी शामिल रहे। गौरतलब है कि गत रविवार को केंद्रीय दल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर और नूरपुर उपमंडल के अतिरिक्त चंबा जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का आकलन किया था। इस मौके पर एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज, एसडीएम इंदौर विनय मोदी सहित प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली चलने वाली युवा को लेकर युवा कांग्रेस बिलासपुर में कार्यकर्ताओं का क्रमिक भूख हड़ताल 8 दिन प्रवेश कर चुका है और वहीं प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इन पदों को न भरने से खफा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थल से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक रोष रैली निकाली और जिसके बाद सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी भी। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख सीएमओ बिलासपुर डॉक्टर प्रवीण चौधरी उनसे मिलने पहुंचे और क्षेत्रीय अस्पताल में एमडी मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट के खाली पड़े पदों को जल्द भरने के लिए प्रदेश सरकार को लिखे जाने की बात कही है। वहीं युवा कांग्रेस बिलासपुर के जिलाध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्रमिक भूख हड़ताल किए जो है 8 दिन पूरे होने जा रहे हैं। उसके बाद सरकार अगला भी सोचेगी, कुछ न कुछ तो करेगी और सरकार के पूरे ध्यान में है। ये तो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात है, दूसरा रेडियोलॉजिस्ट साहब को पता है कि सरकार के पास कमी थी तो उन्होंने ज्वालामुखी से डिप्यूट किया 6 महीने के लिए, वो यहाँ पूरा काम करते रहे। जैसे परेशानी कैसे डेपरेशन खत्म हुई तो उनको नेचुरली वापस जाना था, वो सरकार के ध्यान में है तो जैसे भी उपलब्धता होगी तो रेडियोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, सरकार के पूरे ध्यान में। आज बिलासपुर युवा कांग्रेस सीएमओ बिलासपुर के कार्यालय का घेराव करने जा रही है। जैसे कि सर्वविदित है कि पिछले 8 दिनों से लगातार युवा कांग्रेस क्रमिक भूख हड़ताल पर है, पर ना ही इस गोंगी बहरी सरकार की तरफ से और ना ही जो ये तो फोरलेन संघर्ष समिति प्रभावितों और विस्थापितों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही है। समिति का बीजेपी की सरकार और विपक्ष से विश्वास उठ गया है। समिति के अध्यक्ष का कहना है कि दोनों सरकारों ने झूठे दावे कर उन्हें ठगा है। आम आदमी पार्टी देश में अच्छा काम कर रही है और जिससे उन्हें उम्मीद जगी है। फोरलेन तो नाम आ गया, एक्चुअली ये है भू अधिग्रहण कानून 2013, वो लोगों के हित के लिए पूर्व यूपीए सरकार ने बनाया था
लेकिन हिमाचल में इसको लागू करने की उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं करी। और तब से लेके पिछले 7 सालों से लेके हम संघर्षरत है। हम हर पार्टी के आगे, हर सरकार के आगे गुहार लगा चुके हैं कि भैया ये कानून है, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। इसमें जो प्रावधान है उचित मुआवजा है, उसके अलावा जो जो भी है उसके पुनर्वास पुनर्स्थापना और जो भी जो कानून में है आप उसको लागू करिए। लेकिन कहते सभी हैं, यहाँ तक अपने घोषणा पत्र में भी दोनों पार्टियां भाजपा कांग्रेस दोनों ने डाला 2017 के चुनाव में। उसके बाद जितनी दिन से वार्ता हुई है, जहां भी बात मिलना हुआ, हाँ जी कर रहे हैं, दर्जनों बार कांग्रेस के साथ भी, दर्जनों बार भाजपा के साथ भी, उनकी सरकारों के टाइम में। होली उतराला रोड के निर्माण कार्य में आड़े आने वाली वन भूमि के डायवर्जन पर एक बड़ी मुहर लगती नजर आ रही है। दरअसल सरकार की ओर से 24 अगस्त को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस रोड के निर्माण में आड़े आ रही है और करीब 14 हेक्टेयर वन भूमि का विलय होगा, ताकि दशकों पुराना महज उतराला से होली तक 72 किलोमीटर सड़क निर्माण का यह मुद्दा सदैव के लिए खत्म हो सके। इसके बावजूद इसके अब इस खत पर ही बैजनाथ से ताल्लुक रखने वाले होली उतराला रोड संघर्ष समिति के महामंत्री राज कपूर ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और उन्होंने इस खत को लेकर सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज कपूर ने कहा कि यूं तो ये फैसला बहुत बड़ा है और इसका लाभ भी बहुत व्यापक होगा। चिट्ठी 24/8/2022 को निकली है, ये डाइवर्जन से रिलेटेड है और इसमें क्योंकि 14 हेक्टेयर भूमि जो है वो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होगी, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ये जो चिट्ठी निकली है इसकी कंडीशन नंबर 4 जो है उसमें साफ ये बोला गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 हेक्टेयर से ऊपर की वन भूमि के डाइवर्जन पर रोक लगाई गई है। तो अगर ऐसे में क्योंकि ये 14 हेक्टेयर वन भूमि जो है वो डाइवर्जन होना प्रस्तावित है, तो ऐसे में ये होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर 14 हेक्टेयर भूमि डाइवर्जन होना है तो सेक्शन 3(2) में जो स्टे लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो हमारी साफ ये मांग थी आज की, ये जो मंजूरी मिल रही है ये मंजूरी सिर्फ सांकेतिक मंजूरी बन के ना रह जाए, इसके लिए अगर तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशंस हैं तो अकॉर्डिंग उसके जो है वो कार्य करके शीघ्र। नालागढ़ कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलियां चलने का मामला सामने आया है और दरअसल नालागढ़ कोर्ट परिसर में पुलिस आरोपी को पेशी के लिए जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों ने आरोपी पर गोली दागी। गमीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बजे के आसपास एक हमारे अक्यूज्ड हैं 147/22 केस में और उनको जुडिशियल कस्टडी में थे वो, उनको यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स उसके बाहर ही गोलियां चली हैं। जो अक्यूज्ड हैं इस केस में वो आई थिंक अभी वो यहाँ मिले नहीं है अभी हमें। और 302 के ट्रायल में यहाँ पे मुजरिमों को लाया जाता है जिनके साथ कोई सिक्योरिटी इतनी खास नहीं होती है, ना ही यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए गए हैं कोर्ट परिसर में, ताकि कोई ऐसी वारदात होए तो हम किसी को। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।